तो ये रहा हमारा होटल ITC मराठा, जो कि एयरपोर्ट के बहुत पास है। तो अब हम चल रहे हैं अंदर। स्टार्टिंग में जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो एक यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक है, जिसमें आपकी गाड़ी को और आपके लगेज को एक ब्रीफ फॉर द सिक्योरिटी चेक देखा जाएगा। देन वील गो इनसाइड द कोच है। सो इस कोच में जैसे ही आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बैगेज काउंटर है। सो दे विल टेक योर बैगेज एंड दे विल स्कैन थ्रू दिस मशीन, और आपको आगे जाकर आपकी गाड़ी वहाँ रुकेगी एंड सम सिक्योरिटी चेक्स जो कि आपको करवाने हैं। देन यू विल गो एंड इसके बाद हम जैसे ही आगे एंटर करते हैं, सो एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड ओवर देयर। आप रिसेप्शन एरिया है, दैट्स द रिसेप्शन एरिया। हमने अपनी ऑलरेडी जो अपना रूम है वो ऑलरेडी ले लिया है, कीज आर विद अस। सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया। तो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स आवर रूम। रूम की गैलरी दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा अगर हम यहाँ दिखाएं तो ये रहा लेफ्ट एरिया, यहाँ से दीज आर द लिफ्ट्स एंड कमिंग टूवर्ड्स द शॉप्स जाएंगे तो इस जगह पे आपके शॉप्स हैं फॉर सम ऑफ योर परचेजेस। अगर आपको कुछ करना है तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो बेड एक्सेसरीज एंड लेदर्स हैं एंड आगे और भी शॉप्स हैं, नॉट गोइंग ओवर देयर। सो कुछ ज्वेलरी का भी है, कुछ है, सो यू कैन सी इट। एंड एक बहुत सुंदर एक्वेरियम है जो मैं बहुत कल बहुत फिशेस के साथ हमने यहाँ पे खेला उनके साथ, बहुत छोटी छोटी फिशेज और अच्छी फिशेज है। चलिए सो अभी अब हम चलते हैं वापस एंड सबसे नीचे है रेस्टोरेंट एरिया, जो कि आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन्ड है एंड अगर आप देखेंगे तो सी, अरे स्टार्टिंग में तो टेडी बियर्स भी हैं जो आपके लिए हेलो हेलो बोल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों ने रेनकोट डाले बिकॉज इट्स रेनी सीजन ओवर हियर इस टाइम पे, और अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश था आज भी कल भी। ओके दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया, बहुत अच्छी तरह मेंटेन्ड है। देखिए चलिए नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द स्विमिंग पूल एरिया एंड द जिम एरिया। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द जिम एरिया। अगर आप देखेंगे तो पूल एरिया बहुत सुंदर है। मैंने एक बारी पहले देख लिया है, जस्ट कमिंग ट्वाइस, बट बहुत सुंदर एरिया बना है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पूल एरिया। चले, इट्स वेरी 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 ब्यूटीफुली मेंटेन्ड एरिया। कुछ रोज पेटल्स एंड थैंक गॉड आज बारिश नहीं है। दो दिनों से बहुत बारिश थी। आई एम हेयर इन मुंबई फ्रॉम लास्ट टू डेज एंड आई हैव अनदर वन डे, बट बारिश ने बहुत काम खराब किया। तो दिस इज द पूल फॉर द स्मॉल किड्स एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पूल फॉर प्ले एरिया। ओके सो ये रहा पूल फॉर द एडल्ट्स एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बट पूल है एंड आसपास बहुत अच्छा इन्होंने इसका मेंटेन किया है और इसको आर्किटेक्ट देने की कोशिश किया है। सो अरे कुछ नॉइंस हैं जो कि पानी फेंक रहे हैं, थोड़ा सा सिंगापुर के मरलियन जैसा है, बट हाँ उसके पीछे तो फिश है। ये हमारे अपने लॉयन है
बंगाल टाइगर्स, नो सॉरी गलती हो गई, कोई तो टाइगर होगा, कोई तो लॉयन होगा। दीज आर द लॉयंस जो पानी दे रहे हैं, बहुत अच्छा एरिया है, चलिए लेट्स गो। और ये रहे हमारे कोच एंड लाइफ गार्ड, चलिए चलिए गोइंग बैक फ्रॉम पूल। हम अभी आपको दिखाएंगे इनका गार्डन एरिया, जो कि मेरे रूम के बालकनी से भी दिखता है। माय रूम इज ओवर लुकिंग गार्डन एंड बहुत सुंदर गार्डन है। अभी हम जाकर गार्डन सीधा सीधा देखेंगे कैसा है गार्डन। चलिए कमिंग आउट ऑफ द पूल, गोइंग टूवर्ड्स द गार्डन एरिया। और गार्डन है इन द लॉबी एरिया, वी आर एट लेवल 1, सो वी हैव टू गो डाउन एंड विल सी के हमारा गार्डन जो बहुत सुंदर दिखता है ऊपर, वो है कैसा। वैसे ये रेस्टोरेंट यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, हर बालकनी से हर रूम से अगर आप देखोगे तो बीच में ये एरिया आपको जरूर पड़ता है। और इन्होंने ऐसा बनाया जैसे डेजर्ट में कई बार ओएसिस नहीं होता, एकदम वैसा फीलिंग देता है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स द गार्डन, ये बालकनी इट्स एडजॉइनिंग टू द रेस्टोरेंट एरिया। और रेस्टोरेंट एरिया आपको मैंने दिखा दिया बहुत बार, नाउ आई वॉन्ट शो यू अगैन एंड अगैन। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द गार्डन एरिया, तो चलिए गार्डन का बहुत सुंदर है गार्डन में। मैंने जो ऊपर से एक देखा था, इन्होंने ग्रास के साथ ही एक जो इनका अपना लोगो है, टू फोल्डिंग हैंड्स डूइंग नमस्ते, उन्होंने ग्रास के साथ ही वैसा कुछ बनाया हुआ है। दिस इज वन ऑफ द बॉल रूम, अगर आपको कुछ पार्टी करना है कुछ करना। यस, इसका एरिया इसी रूम के अंदर से है, अनदर स्मॉल पार्टी हॉल। ओके चले लेट्स गो। सो हियर वी कम, दिस इज द गार्डन एरिया। सी अगर आपको ये दिख रहा हो तो दिस इज द देयर लोगो, ब्लैक फोल्डिंग हैंड्स जो उन्होंने ग्लास के साथ बनाया है। चलिए वी विल गो टूवर्ड्स द वॉकिंग एरिया और अब हम जाके देखते हैं कि गार्डन कैसा है। देखने से तो लगता है कि बहुत अच्छी तरह ने रखा है, बिकॉज मेरे रूम से भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो अभी वी आर हेयर इन द गार्डन। सीरियसली रात को बहुत सुंदर लग रहा था, रात को बारिश बहुत थी, सो मैं इसको शूट नहीं कर पाया। एंड विद दिस टाइप ऑफ लॉन एंड अ पाथवे एंड ये एक जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये विद लाइटिंग बहुत सुंदर लगेगा, बट माई बैड लक रात को मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द रेन। एंड टुडे आई एम गेट चेकिंग आउट ऑफ दिस होटल, सो अब आप उसका मैं रात को नहीं दिखा पाऊंगा, बट स्टिल यू विल बी हैविंग सम फोटोज ऑन द इंटरनेट जो कि आप देख सकेंगे। बहुत सुंदर एरिया है ये, वेरी काम वेरी सूदिंग। एंड सी दीज आर द रूम्स, और मेरा भी कोई रूम टॉप फ्लोर पे है यहाँ पे, आई डोंट नो वेयर इट इज़, बट जहाँ से मुझे गार्डन दिखता है तो रूम तो मेरा यही होगा, बट चले कोई बात नहीं। ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस प्लेस, अभी भी देखें अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्होंने अपना लोगो बनाया है एंड उसके पास सर्कल की 3 लेयर्स है, 1 2 3 4 5 लेयर्स हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। एक बारी ऊपर से बालकनी से अपने आपको इसका पिक्चर्स व्यू मैं आपको दूंगा। चलिए अभी चलते हैं इस तरफ, और इधर क्या है, अनदर वन बॉल रूम, तो अनदर मीटिंग एरिया, सो वी आर नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट गेटिंग इट टू इट, वो भी जरूरत नहीं है। सो ये रहा बाहर का एरिया सामने, सो वेरी गुड। चलो वी आर नॉट मूविंग ऑन द ग्रास, मेंटेन किया है उन्होंने तो व्हाई टू स्पॉइल इट। अभी हम इसके आसपास चक्कर लगा लेते हैं एंड नाउ आई एम गेटिंग टूवर्ड्स अनदर एरिया, आई डोंट नो ये कहाँ जा रहा है, मे बी टूवर्ड्स
द फ्रंट और टूवर्ड्स द अनदर गेट ऑफ दैट बॉलरूम। सो यहाँ ना चल के हम चलते हैं इस तरफ। ओह आई गॉट दैट एंट्री पॉइंट। चलिए अगेन वी विल गो टू द एंट्री पॉइंट। एक बार आप दोबारा देख लीजिए कितना सुंदर एरिया है। सो आप हम जा रहे हैं अपने मेन एंट्री की तरफ। यहाँ से मुझे रास्ता आपको जैसे हमने बताया मिल गया है। अभी इट्स 7 इन द मॉर्निंग। अच्छा भी प्लेजेंट एरिया है, अभी प्लेजेंट मौसम भी है। अभी आज हमारा प्रोग्राम है इन मुंबई टू सर्फ अराउंड द सिटी। विल बी टेकिंग अ कैब। अगर उस टाइम पे कुछ बना पाया तो आई डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। एंड टुडे अभी हम जब यहाँ से चेकआउट करेंगे वील हैव वन मोर डे टू स्टे इन मुंबई। एंड वो हम स्टे करेंगे ट्राइडेंट ऑन नरेमन पॉइंट। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है वो भी। आई हैव बीन टू दैट प्लेस। दिस इज़ माई सेकेंड विजिट टू दिस प्लेस। सो वो भी बहुत अच्छी है। उसका लिंक ऊपर आपको इन दिस वीडियो मिल जाएगा। अगेन वो भी हम पूरी प्रॉपर्टी टूर करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस प्रॉपर्टी टूर का आपको मैंने ग्लिम्प्स दिया है। एंड अभी हम यहाँ से वापस टूवर्ड्स आर रूम देंगे। एंड स्टार्टिंग आप देखेंगे इसका बहुत सुंदर है। और ये रात को बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग। और जैसे कि आप जानते हैं कि विद लाइटिंग किसी भी बिल्डिंग को एक 3 डायमेंशन वॉल्यूम मिलता है। एंड मॉर्निंग टाइम कुछ साफ सफाई हो रही है, अच्छा है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है तो चीज़ों को साफ भी रखना है क्यों। ओके सो गोइंग बैक टू माई रूम। और रूम की वीडियो अभी आपके साथ, रूम की गैलरी एंड रूम की वीडियो आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सो अब हम हैं अनदर गैलरी में। साइड पे देखिए हमारे सेम अगेन रेस्टोरेंट नीचे, और वो रहा अपर क्रस्ट जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बार काउंटर्स हैं एंड बहुत अच्छा एरिया है। तो अभी हम बार काउंटर्स की तरफ चलते हैं। सो लेट्स मूव, चलते हैं। और अभी अगर आप रास्ते में देखेंगे तो अभी यहाँ पर एक स्पा एंड सालून है। एंड लेट्स गो इनसाइड। इनसाइड देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कार्विंग किया है, गिव्स यू लुक ऑफ थाई हाउसेज एंड समथिंग। सो दिस इज द स्पा एंड सैलून। सो इफ यू वांट एनी सर्विसेज यू कैन गो हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अपर क्रस्ट जहाँ पर बार एरिया है। एंड दे हैव द हैप्पी आवर्स फ्रॉम 6 to 8। That is just for your information. I'm not promoting कि आप अभी और पी लो ASAP. चलिए सो लेट्स गो टू द अपर क्रस्ट। सो ये देखिए इनिशियल आप अंदर आएंगे, यू हैव अ रिसेप्शन काउंटर ओवर देयर एज यूजल। द बार टॉप्स द बार एरिया एंड देर इज़ अनदर बार एरिया जिसमें आप थोड़ा सा आपका टीवी वगैरह है और एक सेपरेट आपको अगर एरिया चाहिए तो डैट इज़ ऑल्सो देयर। बहुत सुंदर सा एक एरिया अलग से बनाया है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मेन एरिया जो कि हमें ऊपर से भी दिखता है और नीचे भी इसका एक क्रस्ट सा दिखता है। सो ये देखिए, ये वो ही प्लेस है जो हमें ऊपर से देखा था, जो मैंने आपको दिखाया है। चलिए नीचे चलते हैं इसमें। देयर आर सम स्टेयर्स ओवर देयर। थोड़ा सा अपना ध्यान बटाकर, और ये देखिए ये रहा कुछ सिटिंग एरिया अगेन एट दिस साइड एंड एट दिस साइड ओवर लुकिंग टू द मेन रेस्टोरेंट एरिया। ये देखिए नीचे ओवर लुकिंग टू इट। एंड ये जो प्लेस है ये आप एक बार काउंटर से थोड़ा सा अलग सा स्पेस है जो कि आप बड़ा अच्छीली इंजॉय कर सकते हैं बैठ के। अब नीचे रेस्टोरेंट में भी साथ साथ देख सकते हैं आते जाते लोग, हैपनिंग प्लेस वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी
आराम से बैठ के एक बड़ा अच्छा सा वाइब एंड फील ले सकते हैं। चलिए, एंड इसके ऊपर अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा नेट टाइप का इन्होंने डिज़ाइन किया है एंड इट लुक्स वेरी गुड। एक टूम्ब सा है डैट ऑफ नेट ओनली। एंड ये रहा सामने के एरियाज एंड साइड पे जो गैलरीज हैं वहाँ पर रूम्स हैं एंड दिस इज़ द वे इट लुक्स। ये देखिए, ये है अपर टूम्ब और ये मैं आपका दोस्त हाय। अब हम चलते हैं नीचे किचन एरिया में एंड रेस्टोरेंट एरिया में। ओपन किचन है, रेस्टोरेंट है, देखते हैं खाना कैसा है। लेट्स मूव। ये चले हम वापस ऊपर फॉर द अपर क्रस्ट एंड दिस इज़ द बार एरिया अगेन कमिंग अप। इसी से रास्ता ऊपर निकलेगा एंड अब हम चलते हैं नीचे रेस्टोरेंट एरिया में एंड विल सी क्या क्या मेन्यू है एंड क्या क्या हमें पसंद आता है। और एक बार आपके लिए मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या डिशेस हैं, क्या क्या है। सो लेट्स गो। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे रूम्स हैं इनके। सो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में एंड हमारा रूम नंबर 1655 एंड दिस इज़ आवर रूम। चलिए अब हम रूम में चलते हैं एंड देखो कितना ब्यूटीफुल रूम है। लुक एट द इंटीरियर। जैसे यहाँ आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में आपके पास वेलकम ड्रिंक्स एंड वेलकम टी कॉफ़ी का रहेगा एंड दिस इज़ योर कैबिनेट जिसमें आपका खाने का रहेगा एंड यहाँ पे आपका फ्रिज एंड बार सेटअप है। सो अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं एंड हाय गाइस। चलिए आगे चलते हैं। लुक एट दिस व्यू। आप इसके लिए एटलीस्ट दिस व्यू के लिए एक बार ही तो आना बनता है। इसी व्यू के लिए एक्सीडेंटली लास्ट टाइम आई बुक दिस और इस बार आई पर्पसली बुक इट बिकॉज एक इनकी हॉस्पिटैलिटी और एक इनका कलर कॉम्बिनेशन वाइब्रेंसी बहुत अच्छी है। सो चलते हैं रूम में। काउच के कलर्स बहुत सुंदर हैं, बहुत मैचिंग है एंड दिस इज़ योर वेलकम फूड बास्केट एंड वो मेरा एक बैग है एंड सामने द स्टडी टेबल। बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। ओके, अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स बाथरूम्स वॉशरूम्स। ये स्लाइडिंग डोर्स क्वाइट ब्यूटीफुल। चलिए अब सामने की तरफ, लेट्स सी कि कैसा है वॉशरूम। स्टार्टिंग में ज़रूरी एमिनिटीज़ जो आपको चाहिए, योर लॉकर रूम इज़ देयर, योर आयरनिंग बोर्ड एंड आयरन इज़ देयर। कुछ इसमें आपके शूज़ एंड आपका वार्डरोब का सामान जा सकता है। वाह, सी ये रहा आपका बाथटब, योर वॉशिंग एरिया एंड दो सेपरेट सिंक्स। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं बहुत जगह पे, इन फाइव स्टार प्रॉपर्टीज़ बहुत जगह पे दो सिंक्स होते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग योर रूम विद योर पार्टनर, नॉर्मली क्या होता है कि यू डोंट वॉन्ट योर सेल्फ टू बी डिस्टर्ब बाय अनदर पर्सन, तो हम दोनों सिंक अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं। अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर ऑफ द फ्लो एंड द मार्बल यूज ओवर द काउंटर टॉप्स। चलिए अब हम चलते हैं एंड सामने इज़ द गार्डन व्यू। आपको नहीं दिख पाएगा बिकॉज अभी मेरे को पहुँचते पहुँचते शाम हो गया है और थोड़ा सा वो है यहाँ पे कि अभी रात है तो आपको नहीं देख पाएंगे, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर इनका एक्सटीरियर है। एंड इसको भी हम करते हैं बंद, और अगर आप इसको बंद कर देंगे तो बहुत ही अच्छी सी एक सुंदर सी एक और कार्विंग वाली वॉल आपको मिल जाएगी। सी ओके, देखिए। चलिए अब हम चलते हैं बैक और अब अपना लेट सेटल डाउन। बाय बाय। Thank you.
मजा आया तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो दीक्षण राजपूत इंस्टा और यूट्यूब दोनों पर।